नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल। दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं बहुत सुंदर बात करने वाले हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी जो है आप लोग के पास में डायरेक्ट मिलती रहती। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए कि टमाटर खाली पेट खाने से कौन बीमारी होती है। दोस्तों टमाटर जो है खाली पेट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। टमाटर खाने से खाली पेट जो है वो पथरी होने की संभावना बना रहता है। टमाटर और पालक एक साथ बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो खरहर होता है, उनकी बीज जो है पेट में अटक जाता है। उसके बाद में वो क्या होता है कि गोला बन जाता है थोड़ा सा धीरे धीरे, और गोला बनते 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 थोड़ा उसका साइज जो है वो बड़ा होने लगता है। बड़ा होते होते कुछ दिनों में वो पथरी बन जाता है। वो उसी पथरी को ऑपरेशन कराने में बहुत पैसा लग जाता है और हम लोग जो है वो गरीब हो जाते हैं। इसीलिए पढ़े लोग लिखे लोगों क्या करते हैं कि पढ़ लिख करके कोई भी किताब उसके बाद में जो चीज़ है वो खाते हैं। अगर आपको खाना है तो उसमें नींबू गार करके और उस खाना खाने के बाद में सलाद में खा सकते हैं। वैसे खाएंगे तो कोई प्रकार की बीमारी जो है आप लोग के शरीर में उत्पन्न नहीं होगी। या सब्जी में डाल करके बनाएंगे उसको खाएंगे तो पथरी होने की संभावना बहुत कम रहेगा। अगर आप लोगों को पथरी रोग से बचना है तो एक काम जो है वो जरूर कीजिएगा। ऐसे ऐसे जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि आप लोगों के पास में डायरेक्ट जो जानकारी है वो मिलती रहे। दोस्तों कभी भी खाना खाना है तो सोच समझ करके खाना है। दोस्तों आजकल जो जानते ही हैं कि खाद खरी कितने दी जाती है और उसके खाद खरी के प्रदूषण से तरह तरह की बीमारी होती है। अगर हम लोग बीमारी से नहीं संभाल करके रहेंगे तो बहुत सारी बीमारी में पैसा लग जाएगी और हम लोग गरीब हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि आप लोग के पास में डायरेक्ट जानकारी जो है वो मिलती रहे। माता दुर्गा जी से हम हर दम हर बात रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जहाँ भी रहें वहाँ खुशहाल रहें। थैंक यू दोस्तों।